पीली साड़ी वाली के गेटअप में इस महिला का ये अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। कौन है रानी द्विवेदी, कहाँ नजर आई, रहने वाली कहाँ की है, क्या करती है, सब बताएंगे इस वीडियो में। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका मुंशे और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। चुनाव में हम अक्सर चर्चा करते हैं राजनीति अखाड़ों में उतरे दिग्गजों की, नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, लेकिन रीना द्विवेदी ना नेता है ना कार्यकर्ता है, लेकिन पिछले चुनावों में उनकी चर्चा के बगैर चुनाव संपन्न नहीं होता। दरअसल रीना द्विवेदी की ड्यूटी 2022 के विधानसभा चुनाव में लगी थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 2017 की विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान लखनऊ में मतदान की ड्यूटी में बेहद चर्चित रही। खासकर 2019 पीली साड़ी वाली रीना द्विवेदी की फोटो सोशल मीडिया पर तूफान की तरह वायरल हो गई। इन्हें लोगों ने पीली साड़ी वाली महिला अफसर का खिताब दे डाला। तब से उनकी ये पीली साड़ी पहचान बन गई है। एक बार फिर रीना मतदान करने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार उनका गेटअप बदला है। वो ब्लैक स्लीवलेस टॉप और ऑफ व्हाइट ट्राउजर में नजर आई। रीना द्विवेदी लखनऊ में लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में क्लर्क के पद पर तैनात है। इस बार उनकी ड्यूटी मोहनलालगंज अमेठी में लगी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हमारा मकसद इस बार भी ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाने का रहेगा। वहीं गेटअप बदलने के सवाल पर उन्होंने बताया कि मैं तो फैशन फॉलो करती हूँ, मुझे तो हर समय अपडेट रहना भी पसंद है, यही वजह है कि मेरा गेटअप भी चेंज होता रहता है। रीना द्विवेदी का मानना है कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उन्हें जो जिम्मेदारी मिलती है उसे वो अच्छी तरह से निभाए, यही उनकी प्राथमिकता है। रीना देवरिया की निवासी है और उन्हें बचपन से ही खुद को फिट रखने का शौक रहा है। फोटो सेशन और पहनावे को लेकर सजग रहती हैं। रीना की शादी पीडब्ल्यूडी विभाग में काम करने वाले सीनियर सहायक संजय द्विवेदी से हुई थी। हालांकि परिवार की चुनौतियां भी उनके सामने रही। उनके पति अब इस दुनिया में नहीं है। रीना के पति का साल 2013 में बीमारी के कारण निधन हो गया था। रीना का एक बेटा भी है। हर चुनौती का मुकाबला करने वाली रीना अपनी ड्यूटी शिद्दत से करती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में रीना की ड्यूटी नगराम में लगी थी, जबकि 2017 में सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में उनकी तैनाती हुई थी। अब एक बार फिर मतदान के इस महासंग्राम में अपनी भूमिका निभा रही रीना का मानना है कि उन्हें वोट डालना भी अच्छा लगता है और चुनाव में ड्यूटी निभाना भी। रीना ने मतदाताओं से ज्यादा संख्या बाहर निकल वोट डालने की अपील भी की। ये थी पीली साड़ी वाली महिला अफसर की कहानी, जो पिछले कई चुनावों में सुर्खियों में बनी रही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि अपडेट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।